नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी लोगों का। आप सोच रहे होंगे कि ये 200 का नोट मेरे हाथ में क्या कर रहा है। इस 200 के नोट में एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप इस नोट को पलटते हो तो यहाँ पे ये चीज़ बनी हुई है, आपने स्कूल में भी पढ़ी होगी इस चीज़ के बारे में, लिखा भी है, सांची स्तूप। तो मैं रिसेंटली मध्य प्रदेश भोपाल गया था और मुझे अवसर मिला था सांची स्तूप विज़िट करने का। तो आज मैं आपको एक जर्नी पे ले आ रहा हूँ जहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि क्यों इस नोट के पीछे सांची स्तूप है और क्या क्या जगह है और क्यों वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि वो 200 के नोट के पीछे छपी हुई है। तो सीधा चलते हैं मध्य प्रदेश भोपाल। तो निकल चुके हैं भोपाल से सांची की तरफ, और सांची भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पे रायसेन ज़िले में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। तो चलते हैं सांची की तरफ। तो पहुंच चुके हैं सांची के मेन गेट पे, और गेट पे ही आप टिकट ख़रीद सकते हैं। 40 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आप यहाँ पे टिकट मिलता है। तो हम मैं फैमिली के साथ आया तो हम सब ने टिकट ले लिया है और अब चलते हैं ऊपर सांची स्तूपा के लिए। तो ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं सांची और बस पार्किंग में गाड़ी लगा रहे हैं। अच्छी खासी बड़ी पार्किंग है तो पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर समर्स में या सीज़न वाले टाइम पे जब भीड़ बढ़ जाएगी तो शायद यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, बट अभी के हिसाब से काफ़ी स्पेशियस है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सांची स्तूपा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और इस पत्थर पे आप देख सकते हैं जो भी इस साइट के अंदर चीज़ें हैं वो सारी इसमें डिटेल्स दी गई हैं। सांची स्तूपा राष्ट्रीय धरोहर तो है ही है, बट 1989 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी स्टेटस दिया था, इसलिए भी सांची स्तूपा फेमस है पूरे वर्ल्ड में। सांची तो आप समझ गए हैं कि एक जगह का नाम है, लेकिन स्तूपा क्या होता है? जैसे आप बोलते हैं सांची स्तूपा, तो स्तूपा का अर्थ क्या है? तो भारतीय धर्म के हिसाब से जो स्तूपा होते हैं वो प्रमुख धार्मिक स्थल होते हैं, जो कि राउंड शेप में होते हैं, गोल शेप में होते हैं। जैसे आप सांची स्तूपा को देखेंगे तो ये पूरा गोल शेप में है, और मेजरली पुराने टाइम पे स्तूपा के अंदर जो भी धार्मिक अवशेष होते थे इनको रखा जाता था। तो जितने भी इस आर्कियोलॉजिकल साइट में स्तूपा आप देखेंगे सारे गोल शेप में ही हैं, और इनके अंदर कुछ ना कुछ रखा ही होगा। तो पहुँच चुके हैं सांची के मेन गेट्स पे। इन गेट्स को तोरण द्वार भी कहा जाता है, और ये गेट जो हैं वो भगवान बुद्ध को समर्पित हैं। गेट्स में आप देख सकते हो कि ब्राह्मी लिपि का भी काम हो रखा है। इन गेट्स को 3वीं सदी ईसा पूर्व में राजा अशोक ने अपनी पत्नी देवी के साथ बनवाया था। देवी और राजा अशोक का भी विवाह। ऊंचाई लगभग 54 फीट होगी और इसका जो वजन होगा वो 50 टन के आसपास होगा। तो इनिशियली सांची स्तूपा को चार दीवारी में ईंट की चार दीवारी स्तूपा के अंदर एक छोटी सी गुफा भी है जिसे चैत्य रूप में शामिल किया था। उसके बाद सांची स्तूपा के अंदर धार्मिक तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई थी, और उसके आसपास जितने भी बौद्ध विहार थे उनको भी नष्ट कर दिया गया था, और उनके अंदर काफ़ी भागों में तोड़फोड़ की घटनाएं भी
सुनने को मिली थी। सांची स्तूपा के अंदर आपको ऐसे जलाशय देखने को मिल जाएंगे, पुराने टाइम पे इनमें पानी भर के रखा जाता था। तो ये था सांची स्तूपा। अगर आपको जाने का मौका मिले तो आप बिल्कुल ज़रूर जाइएगा सांची स्तूपा विज़िट करने के लिए। ये राष्ट्र की धरोहर तो है ही है, लेकिन ये विश्व की धरोहर भी है, और इसीलिए शायद भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसे 200 के नोट के पीछे अंकित किया है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जगह पर। तब तक के लिए नमस्कार।